Very good morning, children. Today we'll start off with the chapter Theory of Supply, and it's the second video. And today we'll try to understand the concept elasticity of supply. As you can see on the screen, price elasticity of supply or elasticity of supply is a measure of the degree of responsiveness of supply of a commodity to the change in its price. It is also defined as the ratio of percentage change in quantity supplied of a commodity to percentage change in its price. तो इससे पहले हम चैप्टर में पहले चैप्टर जो हमने किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम कंसेप्ट अब थोड़ा समझते हैं. जैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी फॉर्मूला सेम ही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन, आप माउस पॉइंटर को देखिएगा ध्यान से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी कर चुके हैं. डिफरेंस दोनों में सिर्फ ये है कि डिमांड के चैप्टर में यहाँ ये आप स्क्रीन के पॉइंटर देखिए ध्यान से, यहाँ नेगेटिव साइन आता है जब फॉर्मूला स्टार्ट होता है. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में नेगेटिव साइन नहीं होता है, इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर. तो हमको मीनिंग क्या समझ में आया, प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है, इट इज़ ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कितने परसेंटेज से प्राइस को चेंज किया गया, यानी पहले के कंपैरिजन में जो भी नया प्राइस आया तो कितना परसेंटेज चेंज आया, उसके रिस्पॉन्स में कितना क्वान्टिटी सप्लाइड में चेंज आया, क्योंकि पहले सप्लाई क्या थी और अभी सप्लाई क्या हो गई है. तो इस बात को हम समझेंगे अब आगे, जैसे कैसे परसेंटेज निकालते हैं ये हम जैसे आगे हमारा अभी कोर्स बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा. पहले हम पढ़ेंगे डिग्रीज और फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ये आपको 5 डिग्रीज दिखेंगी, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, हाईली इलास्टिक सप्लाई, हाईली इन इलास्टिक सप्लाई एंड द लास्ट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. अब एक एक करके हम समझेंगे. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई यानी ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफिनिटी. मीनिंग क्या है, मतलब सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइज और फॉल्स टू एनी एक्सटेंट विदाउट एनी चेंज और वेरी लिटिल चेंज इन इट्स प्राइस, द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक. इसमें कह रहा है कि प्राइस का चेंज नहीं है और जो क्वांटिटी सप्लाइड है आप इसमें चेंज देख रहे हैं, तो देर इज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, तो इन दैट केस हम उसको बोल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. जो आप ध्यान से देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पॉइंट और माउस पॉइंटर को, तो प्राइस तो फिक्स है, अभी चेंज नहीं हुआ है, देर इज नो चेंज इन द प्राइस. सप्लाई का आप चेंज देख सकते हैं, तो ये SS इज द सप्लाई कर्व. इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो यहाँ बता रहा है कि 10% से चेंज हुआ अगर, लेकिन प्राइस में चेंज नहीं हुआ. तो मैथमेटिकली हम जानते हैं 1/0 कुछ भी होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो 10/0 भी इनफाइनाइट हुआ. तो अब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यानी प्राइस में चेंज नहीं हुआ, जीरो है, सप्लाई में चेंज आता है, तो दैन इन दैट केस वी कॉल इट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. इसका डायग्राम कैसे होता है, इसका कर्व कैसे होता है, पॉइंटर को स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से. ये इस तरह का पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक SS कर्व बनता है. ये तो रेफरेंस लाइन है, ये डॉटेड लाइन्स आर द रेफरेंस लाइन. ये तो आपको इनिशियल ए क्यू तो इनिशियल पोजीशन है, ये भी रेफरेंस लाइन है. आपको इनिशियल पोजीशन से आपको वेरिएशन दिखाया जा रहा है कि आप ए से बी की तरफ गए या ए से सी की तरफ गए. तो ये जो है ये सिर्फ समझने के पर्पज से, जो सप्लाई कर्व तो सिर्फ SS है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ SS कर्व ही सप्लाई कर्व बनाना होता है. रेफरेंस लाइन्स की ज़रूरत अगर समझाने के पर्पज से है तो बनानी है, सिर्फ रेफरेंस लाइन बना देंगे तो नंबर नहीं आएंगे, यानी सप्लाई कर्व नहीं बनाया और रेफरेंस लाइन बना दी. दोबारा से परसेंट देंगे, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, इसको एक टेबल की फॉर्म में बता रखा है कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा. देखो ध्यान से इसका एग्जांपल में, प्राइस पहले भी 10 था तो क्वांटिटी सप्लाई 10 थी, फिर प्राइस अभी भी 10 है, नई सिचुएशन में अभी क्वांटिटी जो है वो दैट सप्लाइड इज इंक्रीज, तो 11 अभी शो हो रहा है. एग्जांपल में न्यूमेरिकल एग्जांपल है ये,
और प्राइस तीसरी सिचुएशन ली गई है जिसमें द प्राइस इज रुपीज टेन स्टिल द प्राइस इज रुपीज टेन, इट मीन्स द प्राइस इज कॉन्स्टेंट, देर इज नो चेंज इन प्राइस एंड देर इज वेरिएशन देर इज चेंज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड, इन दैट केस वी कॉल सच सिचुएशन एज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, प्राइस में जब चेंज नहीं हो। तो अब आपने इसको टेबुलर टेक्स्ट में देखा पहले, फिर टेबल की फॉर्म में समझा, कर्व समझा, और या इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारे केस में हमने परसेंटेज निकाल के देखी कितने हैं, और प्राइस में क्योंकि चेंज नहीं है तो वो जीरो लिखा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है। उसके बाद आता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज एट ऑल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक। अब इसमें हमारे क्या समझा रहा है कि प्राइस चेंज होने के हो रहा है और उसके रिस्पॉन्स में क्वान्टिटी में चेंज अगर नहीं होता है, इन दैट केस वी कॉल इट एज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन अदर वर्ड्स, इफ देर इज नो वेरिएशन इन द क्वान्टिटी सप्लाइड इन स्पाइट ऑफ वेरी हाई वेरिएशन, और वी कैन से द वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी इज टर्म्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में हमने क्या समझा कि क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। तो पहले रुपीज़ टेन था, देन द ऑल्सो द क्वांटिटी सप्लाइड इज 100 यूनिट्स, देन प्राइस फॉल्स टू रुपीज़ नाइन, स्टिल द क्वांटिटी सप्लाइड इज रुपीज़ 100। और 10 से हम इसको तीसरी सिचुएशन में देखें तो क्वांटिटी जो प्राइस है दैट इंक्रीज टू रुपीज़ 11, अभी भी क्वान्टिटी सप्लाइड 100 रुपीज़ है, 100 यूनिट्स है। तो आपको क्या समझ में आया इसमें कि इस केस में क्या है, ये स्पेशल केसेस होते हैं। इस स्पेशल केस में क्या हो रहा है कि देर इज़ चेंज इन द प्राइस, बट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस देर इज़ नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कर्व कैसे है, ये क्वांटिटी में चेंज नहीं है तो क्वांटिटी तो फिक्स है 100, तो आप प्राइस कुछ भी रखेंगे तो क्वान्टिटी 100 ही रहेगी। तो प्राइस आप जैसे P1 P2 बार बार 100 ही है। तो कर्व कैसा बनता है, वर्टिकल लाइन विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको आप इस तरह भी समझते हैं। इलास्टिसिटी इस केस में जीरो होती है बिकॉज क्वांटिटी में चेंज नहीं है तो जीरो लिख दिया, दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जीरो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला उसको, जैसे यहाँ पे 10% आ रहा था तो जीरो अपॉन 10% इस तरह से लिखा। माउस पॉइंटर को ध्यान से देखें स्क्रीन पे, तो उस केस में जीरो आता है मैथमेटिकली, अगर न्यूमरेटर जीरो होता है तो इलास्टिसिटी सप्लाई जीरो आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो का मीनिंग क्या है कि क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। इफ देर इज एनी चेंज इन द प्राइस वो लिख सकते हैं आप यहाँ से 10% 20%, तो 0/10% जीरो आएगा, 0/20% जीरो आएगा। इसको कर्व की फॉर्म में ग्राफिकली कैसे देखते हैं, SS कर्व इज द सप्लाई कर्व इन दिस केस, एंड दिस इज अगेन अ स्पेशल कर्व सप्लाई कर्व विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मीनिंग क्या होता है, क्वांटिटी में चेंज नहीं है। तीसरा है इलास्टिक सप्लाई, इसमें क्या होता है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, यानी हम फॉर्मूला जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे इसको देखेंगे अभी पॉइंटर को स्क्रीन पे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ये फॉर्मूला है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने इस केस में क्या बोला, इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है कि क्वांटिटी सप्लाइड जो परसेंटेज चेंज है वो ज़्यादा है, जैसे 20% लिया है अज्यूम करा, और प्राइस जो है वो 10% से ही बड़ा था अगर, तो उस केस में ES जो आया वो आपका 2 आया, इन दैट केस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 1। और इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से कैसे देखेंगे कि प्राइस पहले 10 रुपीज था तो क्वांटिटी सप्लाइड उसके इसमें 10 यूनिट्स दिख रहा है हमारे को, पॉइंटर दिख रहा है माउस पॉइंटर में ध्यान से देखना है यहाँ पे टेबल। उसके बाद जब प्राइस जो है 11 रुपीज हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड 12 यूनिट्स हो गया, या प्राइस 9 रुपीज़ हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड 8 रुपीज़ हो गया, 8 यूनिट्स हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, हम इसको निकाल सकते हैं। एक्चुअली चेंज निकालने का तरीका क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का तरीका, वो आगे मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा। और ये हम एक्चुअली जानते हैं डिमांड के चैप्टर में, हम निकालना जानते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, सेम फॉर्मूला ही काम आएगा सप्लाई में भी। सिर्फ डिफरेंस क्या है, मेन फॉर्मूला जो वहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव साइन आता था, यहाँ मेन फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नहीं है, दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इट मींस नेगेटिव साइन का मीनिंग हम क्या समझते हैं कि पहले हम समझते हैं यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए नहीं है कि दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सिर्फ नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है, डिमांड में जो होता है
द वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। क्वांटिटी सप्लाई में ऐसा नहीं होता है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये हम सीख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में भी। डायरेक्टली रिलेटेड का मीनिंग क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई भी बढ़ रही है, इट मीन दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, इसलिए नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत है। यहाँ पर दोबारा से सीखेंगे इलास्टिक सप्लाई क्या होती है। When percentage change in quantity supplied of a commodity is more than the percentage change in its price, यानी quantity supplied का जो percentage change है, if it is more, जैसे यहाँ दिख रहा है हमें example में 20% लिया है in response to our price से ज़्यादा है, तो हम यहाँ price का percentage change 10% ले रहे हैं। तो ऐसे, और इसका curve कैसा है, comparatively flatter curve है, ये supply curve हम जानते हैं, बस थोड़ा सा flat है, ऐसे ऐसे जो supply curve, बाकी तो ये reference line नहीं है, बता रहा है 10% से जब rise हुआ तो क्वान्टिटी में चेंज कितना आया, 20% आया। तो ये तो रेफरेंस लाइन है, ए क्यू बी क्यू वन आर द रेफरेंस लाइन, सिमिलरली ए पी एन बी पी वन आर द रेफरेंस लाइन। आपको जो सीखना है वो दैट इज़ द इलास्टिक सप्लाई कर्व, कंपैरेटिवली फ्लैट कर्व होता है, और इसको एसएस कर्व इज द सप्लाई कर्व। उसके बाद इन इलास्टिक सप्लाई, इसमें क्या होता है, देन परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अब क्या हो रहा है कि प्राइस ज़्यादा परसेंट से चेंज हो रहा है इन कंपेरिजन टू क्वान्टिटी सप्लाइड। तो यहाँ देख रहे हो आप, प्राइस का चेंज 20% है और क्वान्टिटी का चेंज जो है सप्लाइड का, दैट इज 10%। ये हमने डेफिनेशन में बोला था, एंड परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, तो यहाँ दिखा भी रहा है प्राइस का चेंज 20% और परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी सप्लाइड का चेंज 10%। इसको निकाला तो ये हमें क्या समझना है, मैथमेटिकली यानी न्यूमेरिकली निकाला तो ये 0.5 आया इस केस में। तो इसका मतलब होता है व्हेन देयर इज इन इलास्टिक सप्लाई तो ES इज लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा कंपैरेटिवली जो होगा दैट विल बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, छोटा रहेगा। तो इस केस में जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर जो आएगा वो डेसिमल्स में आएगा। इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं, प्राइस के चेंज का चेंज ज़्यादा है कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और जो एसएस कर्व बन रहा है वो दैट इज स्टीप कर्व है थोड़ा सा। इससे पहले वाले कर्व को आप देखेंगे तो आप ये फ्लैट दिख रहा है, इलास्टिक सप्लाई का कर्व कैसा फ्लैट है। देखो माउस पॉइंटर को देखेंगे यहाँ से स्क्रीन पे, एसएस कंपैरेटिवली कर्व को फ्लैट दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे स्टीप हो गया। फ्लैट किस किस में होता है, इलास्टिक सप्लाई, स्टीप किस किस में होता है, इन इलास्टिक सप्लाई। मीनिंग क्या है, इन इलास्टिक में जो प्राइस का चेंज है वो ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन कंपैरिजन टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। उसके बाद आता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इसमें क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, ये बराबर होते हैं। और ये दिख भी रहा हमने जैसे कि यहाँ पे न्यूमेरिकली देखा कि 10% से अगर क्वांटिटी प्राइस का चेंज हो रहा है तो 10% से क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज हो रहा है, तो दैट इज 1। तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में ES इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पे ग्राफिकली समझाया गया, SS इज द कर्व जो यूनिटरी इलास्टिक दिखाया गया। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। इसको हम डेराइव करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा, ये हम पहले निकाल चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ये नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बाकी सेम डेरिवेशन सेम फार्मूला और न्यूमेरिकल भी सेम ही निकलते हैं। यानी जिसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी न्यूमेरिकल्स निकाल लेगा, सिर्फ क्या ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव साइन नहीं लगाना है। तो ये लास्ट में फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला तो ये है ही परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी, एक और इसी को डेराइव करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। हम रेफरेंस के लिए इसको पी जीरो, यानी पी जीरो इज द इनिशियल प्राइस, क्यू जीरो इज द इनिशियल सप्लाई। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे सिर्फ पी और क्यू है, आप लिख देना पी जीरो यानी इनिशियल प्राइस, क्यू जीरो यानी इनिशियल क्वान्टिटी। चेंज ये डेल्टा क्यू तो आप जानते हो, ट्रायंगल बना हुआ है, इसका तो मीनिंग आप समझते हो, आप ये डिमांड के चैप्टर में सिखाया था आपको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसी तरह डेल्टा पी यानी चेंज इन पी यानी चेंज इन प्राइस। न्यूमेरिकल्स जो हैं बिल्कुल सेम डिमांड की तरह ही होंगे, डिमांड के चैप्टर में जो हमने करे थे, तो आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो आप डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की मैं शीट आपको भेज दूंगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यू हैव टू राइट दी स्लाइड्स इन योर नोटबुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।